ओके, आपका थ्योरम 9.1.1 है, ये थ्योरम है आपका, जो कि है एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड इन्वॉल्व है, ये जहन में रखना है, दो एंगल और एक साइड। इसमें लिखा है कि इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डेंस आप लेते हैं, कोई भी आप कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस यानी मुशाबियत जो आप सीख चुके हैं, ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स हैं जहन में रखना है आपने, उनकी आप कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। अच्छा, ये दो ट्राइंगल मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस आप लेंगे, ये आपने अपने पास से डायग्राम बनानी है, एग्जाम के अंदर जो चीज़ आपके पास आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, बस जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिखा होगा, डायग्राम आपने खुद बनानी है। आप ट्राइंगल को कोई भी नाम दें, ए बी सी दें, एक्स वाई जेड दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें हमें कह रहा है वो हम बनाते चले जाते हैं। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यहाँ से मुझे मिल गया कि दो ट्राइंगल बनने चाहिए, तो मैंने दो ट्राइंगल बना लिए, एक को नाम ए बी सी दे दिया, दूसरे को नाम पी क्यू आर दे दिया, ठीक है। दो चीज़ें जो इसमें से आपको मिलती हैं इस स्टेटमेंट में से, वो है एक चीज़ गिविन, जो आपको देता है, इन अल्फाजों में कहता है कि ऐसी चीज़ बनाओ, ये मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, गिविन है। और दूसरा इसमें इसी स्टेटमेंट में लिखा होता है कि ये साबित करो, तो उसको हम लिखेंगे टू प्रूव डैट की हेडिंग में। सो ये दो चीज़ें आपको अपने इस स्टेटमेंट में से निकालनी है, क्वेश्चन में से। सो हमें उसने कहा कि दो ट्राइंगल्स हैं भाई, तो मैंने दो ट्राइंगल बना लिए, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस भी मैंने डिफाइन कर दी है अपने जहन में कि ए बी और पी क्यू की कॉरस्पॉन्डेंस है आपस में, ये हमने जहन में डिफाइन कर लिया। इसी तरह बी सी और क्यू आर की कॉरस्पॉन्डेंस है, इसी तरह सी ए और पी आर की कॉरस्पॉन्डेंस है। सो दो ट्राइंगल थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से, दो ट्राइंगल थे तो मैंने लिख दिया, जो मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं गिविन की हेडिंग में, वो है एक ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। और किस में बेटे ये दोनों ट्राइंगल, अब बताएंगे आप लोग, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो देखें सर, बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बेटे मुशाबिहत करना, अभी हम ये साबित नहीं कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है, मुशाबिहत के, ये मैं लास्ट टाइम आपको समझा चुका था, अभी भी आप समझ लें, छोटा सा स्टेटमेंट है, मकसद ये है कि ये आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, मकसद ये है कि अगर मैं साइड ए बी देखूं पहले ट्राइंगल के अंदर, तो दूसरे ट्राइंगल में मेरे पास तीन साइडें हैं चॉइस करने के लिए कि भाई इस ट्राइंगल की साइड ए बी से दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड देखनी है, क्या पी क्यू देखनी है, क्यू आर देखनी है या पी आर देखनी है, तीन चॉइसेस हैं हमारे पास। अभी तो हम ये जा ही नहीं रहे कि ये बराबर हैं या नहीं, हमें ये देखना है कि किसके मुशाबे देखूं, किससे मुशाबियत करनी है इसकी, पहले तो ये तय करें, कॉरस्पॉन्डेंस तय करें। तो कॉरस्पॉन्डेंस है ए बी की पी क्यू के साथ, बी सी की क्यू आर के साथ मुशाबियत देखनी है, यानी आपने कोई और साइड नहीं देखनी, जब बी सी देखेंगे तो साइड क्यू आर देखेंगे, इसी तरह साइड सी ए देखेंगे तो दूसरे ट्राइंगल में आर पी देखनी है, पी क्यू और क्यू आर नहीं देखना, ठीक है जी। इसी तरह से एंगल की बात होती है, मैं नेक्स्ट एंगल भी बना देता हूँ, ठीक है, ये दो एंगल है पेपर में जो है, हमें बताते हैं कि कौन सा पोस्टेरिटी और कौन सा वे यूज करना है, हम खुद से चूज कर सकते हैं बेटे, आप लोग खुद से चूज करेंगे, और एक ही बेहतर तरीकेकार होता है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, उसी को आपने फॉलो करना है, इसको समझाना मेरा काम है, ठीक है सर। जैसे फर्स्ट इसमें गिवन है कि ए ऐसे या फिर एंगल साइड एंगल हम यूज करें, तो स्टेटमेंट के साथ ये गिवन नहीं होता पेपर में? नहीं बेटे, एग्जाम में जो चीज आएगी लिखी हुई वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट आएगा आपके पास, हर थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन होगा आपका, और कुछ भी नहीं होगा, ना डायग्राम होगी ना कोई चीज होगी, ये बात आप जहन में रख लें। सो मुशाबिहत पहले बताना जरूरी है ना, कि साइड ए बी अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो यहाँ पे तीन चॉइसेस हैं, किसको देखना है, तो पी क्यू को देखना है। अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीकेकार है, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट तरीकेकार क्या है, क्योंकि सिर्फ साइडों की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती, एंगल की भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जैसे एंगल ए को एंगल पी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में देखना है। इसका शॉर्ट तरीकेकार क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस है, बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस का निशान है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है, तो हमने अपने पास से दो ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी, किस तरह से बेटे, ए बी सी और पी क्यू आर लिख के। अब ये शॉर्ट तरीकेकार क्या है, इतना सा लिखने में ही हमने एंगल और साइड सबकी कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर दी है, कैसे, पहले ए लिखा है तो ए की कॉरेस्पॉन्डेंस पी के साथ हो गई, फिर बी लिखा है तो बी की हो गई क्यू के साथ, फिर
एंड में सी लिखा है तो सी की हो गई आर के साथ। अब देखें, जब ए की पी के साथ, बी की क्यू के साथ और सी की आर के साथ हो गई, तो ए बी को एक साथ लिखूंगा तो पी क्यू की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी, यानी कि साइड ए बी और पी क्यू की बन गई, ये शॉर्ट तरीकेकार हो गया। इसी तरह से बी सी देखूंगा तो क्यू आर बनेगा, तो बी सी देखेंगे तो क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी। इसी तरह आप जब ए सी की कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे तो फिर पी आर की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी। अगर एंगल ए देखेंगे तो एंगल पी के साथ बनेगा, एंगल बी देखेंगे एंगल क्यू के साथ, एंगल सी देखेंगे एंगल आर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी मुशाबहत देख रहे हैं कि भाई इस पहले ट्राइंगल में एंगल ए देखें तो दूसरे ट्राइंगल में पी देखना है, क्यू और आर को नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है मुशाबे कौन सा एंगल किसके साथ आपने देखना है। होप मेक सेंस, ये बात समझ आती है कि शॉर्टकट क्या तरीकेकार है लिखने का। बता दें, कुछ मुश्किल तो नहीं हो गया? नो ठीक सर। है। अच्छा, अब ये शॉर्टकट तरीकेकार है। अब देखिए, मैंने जैसे अभी लास्ट में बताया कि ए सी की कॉरेस्पॉन्डेंस होगी पी आर के साथ, अब ऐसे नहीं देख सकते आप, इसके लिए आपको ट्राइंगल देखना पड़ेगा। मैं ए सी और पी आर क्यों मना कर रहा हूँ? देखिए बेटा, पहले आप ऐसे चले थे, ए बी को पी क्यू के साथ आपने देखी, ठीक है, नेक्स्ट में इस तरह बढ़ रहा हूँ, यानी कि ऐसे बढ़ रहा हूँ, बी सी और ए बी से बी सी पे गया ना, इसी तरह यहाँ जाऊंगा, बी सी की क्यू आर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में भी यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड होगी, जैसे ये पॉइंट ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या नाम बनेगा बच्चों, ये बताएं, इसका क्या नाम बनना चाहिए? क्या ए सी बनना चाहिए इस वाले का? ऐसे ही जाएंगे ना, सर सीए बनना चाहिए। सी ए बनना चाहिए, एग्जैक्टली। तो इसमें ए सी नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, सी ए की आर पी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसी का ही काम है सारा थ्योरम्स के अंदर। सो इस तरह डायरेक्टली नाम आप नहीं देख सकते, यहाँ से आपको इस तरह देखना पड़ेगा कि अगर आप इस ओरिएंटेशन में जा रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल में किस तरह ओरिएंटेशन बनेगी। ये भी जरूरी नहीं है, अगर ये ट्राइंगल फ्लिप्ड होता ना पी क्यू आर, तो हो सकता है आपको पहले ट्राइंगल में इस तरह जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ए बी के बाद बी सी ऐसे आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे पी क्यू के बाद क्यू आर इस तरह आता, तो आपको दूसरे ट्राइंगल में ऐसे जाना पड़ता, ये ध्यान रखना है। ये चीज की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है और ये शॉर्टकट क्या तरीके का है और इसका क्या मतलब होता है। यस ठीक है, फसिया के अलावा कोई और बच्चे भी मुझे बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यस ठीक है, इशाल को समझ आ गई, आयशा को और फसिया, ठीक है, बाकी बच्चे बता दें जो बता सकता है, वरना मैसेज कर दें। सर। ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने यहाँ पे सीखनी है, और अब इसकी आपकी आगे प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो यही तरीके का है, जब भी आप थ्योरम में देखेंगे, स्टेटमेंट में पढ़ेंगे कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो मैंने लिख दिया गिवन की हेडिंग में, क्योंकि मुझे कह रहा है कि दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस है, मैंने खुद से दो ट्राइंगल बनाए, उनको मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया ए बी सी पी क्यू आर, आप कोई भी नाम दे सकते थे, पहले ट्राइंगल को एक्स वाई जेड कहते, दूसरे को एल एम एन कहते, जो आपकी मर्जी कहना चाहें वो नाम दे सकते हैं आप। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर बात है, आपके जो है उस पर बात है कि आप कितना अच्छा थ्योरम को समझते हैं और कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कि आप कितना अच्छा एग्जामिनर को खुश करते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त देते हैं, मेरा काम है आपको सिखा देना। ओके, अच्छा, अब आगे हमें कह रहा है, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, अगर कोई एक साइड और कोई से भी, एनी वर्ड लिखा हुआ है, एनी टू एंगल्स, कोई से भी दो एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, तीन साइडों में से कह रहा है, कोई से भी एक साइड और तीन एंगल्स में से कोई से भी दो एंगल क्या होंगे एक ट्राइंगल के, आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, दूसरे ट्राइंगल की ऑफ द अदर, यानी कि दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आप यहाँ पर देखें, इसका एक तरीकेकार है दिखाने का ज्योमेट्री में, आसान तरीकेकार, के साइड और एंगल को किस तरह हम बराबर दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, हमने लिया एंगल ए और एंगल पी को बराबर लिया, दो एंगल बराबर लेने ना, और कोई एक साइड लेनी है, तो दो एंगल में से मैंने पहले क्या किया, एक एंगल ए पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का एंगल पी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में थे, इनको बराबर ले लिया, ये बराबर है, अब ये जितना भी हो, मान ले ये 60 डिग्री है
तो ये भी 60 डिग्री हमने लिया, या ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री लिया हमने, बराबर ले लिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एक एंगल बराबर लेना है, ये गिविन है, बनाना ही ऐसा ही है हमें, एक हमें दोनों ट्राइंगल को। सो उसी को हमने यहां पर लिख दिया, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, ये गिवन का पार्ट है हमारा, बीच में हमने कॉमा डाला। सेकंड नंबर पे हमने एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट ले लिया एंगल क्यू के, मान लें अगर ये हमारे पास 40 डिग्री है तो ये भी हमने 40 डिग्री बना लिया। इस तरह से हमने बनाया प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से कि ये दोनों बराबर होंगे मेजरमेंट के एतबार से, उसको हमने यहाँ लिख दिया एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है बराबर है एंगल क्यू के। आप कोई से भी दो एंगल ले सकते थे, ए और पी बराबर ले लें, सी और आर बराबर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी दो एंगल लेने ना कॉरेस्पॉन्डेंस बराबर, आप क्यू और बी बराबर ले लें या आर और सी बराबर ले लें, ठीक है, कोई से भी दो एंगल बराबर ले सकते हैं। इसी तरह कोई एक साइड लेनी है ना, दो एंगल यहाँ लिखा है एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, दोनों ट्राइंगल में बराबर होनी चाहिए, तो मैंने साइड बी सी और साइड क्यू आर को लंबाई के एतबार से बराबर ले लिया, मान लें ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, अगर ये बी सी 10 मीटर होती तो क्यू आर भी 10 मीटर लेते। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने इस तरह से बनाया कि दो एंगल बराबर आ जाए और एक साइड बराबर आ जाए दोनों ट्राइंगल्स में। इसको हमने जो साइड वाली बात थी एंड करके लास्ट में हमने लिख दिया कि बी सी साइड बराबर है कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, बीच में कॉन्ग्रुएंट का निशान है। यहां तक बात समझ आती है? यस यस सर। अच्छा, अब क्योंकि ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम हमें बहुत हेल्प करती है चीजों को समझने में। अब क्योंकि एंगल ए और एंगल पी बराबर हैं, तो इसको एक नजर में देख के हम पहचान जाएं कि कौन से दो एंगल बराबर हैं, किसके बराबर हैं। तो उसका तरीकेकार ये है कि एंगल बनाने का तरीका तो देखें ये है, ये तरीका है, हम दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं या दो रेस कह लें या कुछ भी कह लें। पहचान करने का तरीकेकार ये पहचान के लिए है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तरीकेकार ये है कि कैसे मैं बताऊंगा ए और पी बराबर है, मुझे नजर आ जाए दिखते के साथ ही। तो मैंने एक टिक मार्क किस पे लगाया, एक टिक मार्क किस पे लगाया, यानी कि एक एक टिक मार्क वाले एंगल ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल बी और क्यू पे गौर करेंगे, जब एक एक टिक मार्क मैंने ए और पी पे लगा दिया तो बी पे मैंने दो टिक मार्क लगाए, क्यू पे दो टिक मार्क लगाए, ताकि पहचान हो जाए बी और क्यू दो दो टिक मार्क वाले एक दूसरे के बराबर हैं। डायग्राम में देखने में परेशानी नहीं होगी हमें, अगर तीनों में ऐसे ही बना दूंगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, बार 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 इधर देखना पड़ेगा कि कौन से बराबर हैं कौन से नहीं है, डायग्राम देख के पहचानो। इसी तरह साइड बी सी की लंबाई के साथ मैंने तीन टिक मार्क लगाए, क्यू आर के साथ तीन टिक मार्क लगाए, आप भी इसी तरह फॉलो करेंगे। ये वाली बात समझ आ गई कि टिक मार्क सिर्फ पहचान के लिए होते हैं। अब देखें डायग्राम देखते ही समझ आ गया कि पहले ट्राइंगल में ए पी के बराबर है, बी एंगल क्यू के बराबर है, साइड बी सी की लंबाई क्यू आर की लंबाई के बराबर है। मेक सेंस, बात समझ आती है यहाँ तक? यस यस सर। यस ठीक है, अब फाइनली हम पढ़ते हैं, यहां तक तो हमने थ्योरम पढ़ लिया। फाइनली लिखा है द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल ही क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमें साबित करना है कि ऐसे दो ट्राइंगल बनाए हमने जिसमें दो एंगल और एक साइड बराबर है लंबाई और मेजरमेंट के एतबार से, तो ये दोनों ट्राइंगल ही बराबर होंगे सिर्फ इन तीन मालूमात की बुनियाद पर, यानी एंगल एंगल साइड की बुनियाद पर। ओके, तो कैसे लिखेंगे ये हमें साबित करना है, तो टू प्रूव की हेडिंग में डाल दिया, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये साबित करना। ये क्लियर है कैसे हमें थ्योरम में से गिवेन और टू प्रूव निकालना है? यस अब आप बच्चे मुझे ये बताएंगे पहचान करके कि अगर मैं ऐसे पढ़ता हूं दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है, या एक ट्राइंगल देख लें, तो मुझे बताएं क्या ये साइड एंगल एंगल बनेगा, क्या ये एंगल एंगल साइड बनेगा, क्या ये साइड एंगल साइड बनेगा, क्या बनेगा इन तीनों में से? एग्जैक्टली, सर, एंगल एंगल साइड पहले ये एंगल आ रहा है ना, पहले ये एंगल आ रहा है तो एक एंगल, फिर और आगे बढ़े इस डायरेक्शन में तो दूसरा एंगल मिल गया एंगल, एंड देन ये साइड हो गया, तो देख लें एंगल एंगल साइड बनेगा। होप मेक सेंस, बात समझ आ रही है आप बच्चों को? यस ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, बताएं जरा, क्या ऐसे जाना एंगल अलाउड है? एंगल एंगल साइड हाँ, एंगल साइड एंगल नहीं एंगल बन सकता, ये एंगल साइड एंगल एंगल नहीं बन साइड एंगल सकता। हाँ, आपने सही गैस किया साइड एंगल है, एंगल हाँ ये बनेगा बेटे साइड एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल नहीं बन सकता, ठीक है। आप इसको स्टार्ट करेंगे बेटे साइड से, इसको आप किससे स्टार्ट करेंगे फिर जहन में बिठा लें, साइड से,
साइड एंगल एंगल ये बनेगा इस तरह। सो आपको ये समझ आया कि क्यों हम एक ही डायग्राम को साइड एंगल एंगल भी पढ़ सकते हैं और एंगल एंगल साइड भी पढ़ सकते हैं, दोनों बातें पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ देखने का तरीके का है कि आप उसको इस तरह देख रहे हैं एंगल एंगल साइड, या साइड से स्टार्ट करके साइड एंगल एंगल देख रहे हैं, बात एक ही है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि एंगल साइड एंगल बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब बीच में ये इंक्लूड साइड होती है, दो एंगल के दरमियान वाली साइड होती है। तो आप जरा ये पहचाने, क्या ये दो एंगल के दरमियान वाली साइड है? नो। कौन सी साइड इन दोनों एंगल के दरमियान वाली है, ए और बी के? ए बी। जबरदस्त, ए बी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये साइड ए बी हो जाए, अब बताइए क्या बनेगा? अब ये बनेगा एंगल साइड एंगल एंगल, देन फिर साइड पढ़ लिए, फिर एंगल पढ़ लाए, अब ये एंगल साइड एंगल बनेगा क्योंकि इंक्लूड साइड हो गए। ऐसे पढ़ेंगे तब भी एंगल साइड एंगल पढ़े बनाएगा ये एंगल साइड एंगल। सो मेक सेंस, आपको पढ़ना आ गया क्यों मैंने इन तीनों के नाम को एक साथ लिखा है? ठीक है, एंगल साइड एंगल को सेपरेट मैंने लिखा है, इसको प्रूफ करने का तरीकेकार भी यही है। ओके, मेक सेंस? यहां तक बात समझ आ गई तो फिर हम आगे बढ़ें। आपको अगर ये दो स्टेप समझ आ गए कि सर इसी डायग्राम पे यही फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल यही करना है बेटे। पहले तो स्टेप में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो बुक में आपके प्रूव हुआ भाई, उस तरीके पे आपको सिखा रहा हूँ जिस तरह बुक में प्रूव है, वरना इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के। मैंने वही कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सीखते हैं, सीखने के बाद कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो पहला स्टेप है, इसके बाद एडवांस स्टेप है इसको सीखने के, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आपने बाद में देखना हो तो देख लें, और वरना फिर इसी तरीके को फॉलो करके भी आप साबित कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। यहाँ तक ठीक है बेटा? यस। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी डली हुई है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हेडिंग है, देखें ये प्रूफ टेबल से हटकर है, प्रूफ टेबल का पार्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये हम एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये ना तो हमें गिविन में दिया गया है और ना ये साबित करने का हिस्सा है। बट ये कंस्ट्रक्शन का फिर काम क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम ये होता है बच्चों के जो आपको डायग्राम उन्होंने दी है बनाने को, उस डायग्राम की मदद से तो हम डायरेक्टली साबित नहीं कर सकते अपने थ्योरम को। हमने साबित क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, और अभी तक के जो हमारे पास टूल है दो ट्राइंगल को बराबर साबित करने का, वो कौन सा औजार है आपके पास अभी तक? कौन सा टूल है, जरा कौन सा बच्चा बताएगा? अभी तक जो मेरे पास टूल है, इस वक्त जो टूल है कि दो ट्राइंगल बराबर हैं, ये किस टूल की मदद से मैं साबित कर सकता हूँ? एसएस पोस्टुलेट है ना बेटे, क्योंकि एसएस है, इसके जरिए हम साबित करेंगे कि दो ट्राइंगल बराबर हैं या नहीं है। इसके अलावा तो कोई टूल नहीं है, उसी को हमने पोस्टुलेट मान के चला है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है, जरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें सबसे पहले तो बेटे। अगर मैं ये वाली डायग्राम लेता हूँ तो मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है, साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए? देखिये एक साइड तो है आपके पास, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के अंदर बराबर, साइड बी सी बराबर है साइड क्यू आर के, एक साइड है। अब आ जाए यहाँ पर एंगल भी है, क्या नहीं है आपके पास जिसकी बुनियाद पे आप साबित कर सकें एसएस के जरिए कि दोनों ट्रायंगल बराबर हैं या नहीं है? एक और साइड नहीं है। एग्जैक्टली बेटे, और वो कौन सी साइड होनी चाहिए इस हिसाब से जरा बताएं, जो करंट डायग्राम है उसके हिसाब से कौन सी साइड होनी हमें बराबर साबित करनी है? ए बी। हाँ, ए बी किसके बराबर साबित करनी है? पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू के। अच्छा, साइड सी ए और आर पी क्यों नहीं कहा आपने, इसकी वजह बताएं मुझे जरा। एस एस पे वर्ड पे गौर करें, एस एस के लिए एंगल कौन सा होना चाहिए और साइड कौन सी होनी चाहिए? सर साइड दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल exactly, होना चाहिए। एग्जैक्टली बेटे, बात समझ आ गई ना, साइड है एंगल है, बट ये साइड नहीं है हमारे पास, इसलिए हम मजबूर हैं कि हमें ए बी और पी क्यू को बराबर साबित करना है। ये बात समझ आ रही है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं कि इसलिए हम इसको जो है ए बी और पी क्यू को बराबर साबित करने पे जाएंगे हम। तो हमारे पास जो टारगेट है, यहाँ देखें बेटा, मैंने इसीलिए साथ में ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है कि आखिर थ्योरम में टारगेट क्या है। हमें असल में चाहिए, वी नीड वन मोर साइड कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास कमी है दो ट्राइंगल को बराबर साबित करने में, और वो ये है कि एक और साइड मुझे चाहिए बराबर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, क्योंकि मैं क्या लगाना चाहता हूँ, एस एस पोस्टुलेट लगाना चाहता हूँ। ठीक है, हमें टारगेट मिल गया हमारा कि हमने करना क्या है आखिर। अब प्रॉब्लम यह है कि ए बी की लंबाई मैंने बराबर साबित करनी है पी क्यू के,
अब इसका क्या तरीकेकार है? इसका तरीकेकार हम जाएंगे अभी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक पर, और उसको भी मैं समझाता हूँ। इसका तरीकेकार ये बेटे, हमें सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग है उसका काम क्या है, हमेशा कई सारे थ्योरम्स में आएगी, हर थ्योरम में नहीं होती, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हम करते हैं। अच्छा, जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? फिर जो डायग्राम हमारे पास मौजूद होती है, जो हमें स्टेटमेंट में बताई है, उस डायग्राम की मदद से तो हम साबित नहीं कर सकते, तो हमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है अपनी डायग्राम के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जो हमें मदद देता है थ्योरम को आगे बढ़ाने में, थ्योरम को साबित करने में। ये लफ्ज मेरा समझ आ रहा है? यानी अभी जो डायग्राम है इसकी मदद से तो मैं नहीं साबित कर सकता कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं या नहीं है, या मेरा जो टारगेट है ए बी और पी क्यू बराबर हैं या नहीं है, मैं नहीं साबित कर सकता। मुझे कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ बनाना है इसके अंदर, कुछ ना कुछ करना है जिसकी मदद से मैं इस थ्योरम को आगे साबित करने में बढ़ाऊंगा, वरना हम नहीं कर सकते। आपको वजह समझ आई कंस्ट्रक्शन क्यों करनी होती है? तो फिर मैं बताता हूँ ये कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर। सर, हम ए बी और पी क्यू को वैसे भी तो मतलब कर सकते थे हाँ, स्केल रख के, कॉन्ग्रुएंट, नहीं मतलब एंगल और एंगल एंगल साइड वाला पोस्टुलेट लगा के अगर कर हाँ लेते तो. देखिए बेटे, एंगल एंगल साइड पॉस्टुलेट नहीं है, ये थ्योरम है। पहली तो बात, ये हमने अभी साबित करना है, ये साबित हुआ नहीं है, इसी से मुतालिक तो ये थ्योरम है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन होगी क्या तब भी बराबर होंगे या नहीं होंगे, अभी तो साबित करना बाकी है, जब हो जाएगा तो फिर इस्तेमाल कर लेंगे। ओके सर, वैसे ऐसे पोस्टुलेट भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता? ए बी साइड है और फिर एंगल एंगल बी और साइड बी सी. आपने कहा ए बी साइड है, देखें बी सी और क्यू आर तो कहाँ पे हमें दिया है, हमने कहाँ पे लिया, गिविन में। ये डायग्राम ही हमने ऐसी बनाई है कि ये दोनों लंबाई के एतबार से बराबर हैं, एंगल क्यू और एंगल बी मेजरमेंट के एतबार से बराबर हैं, ये भी गिविन का हिस्सा है क्योंकि दो एंगल और एक साइड लेनी थी। इसी तरह एंगल ए और एंगल पी बराबर हैं, ये भी गिविन का हिस्सा है, इसीलिए मैंने इन पर टिक मार्क लगा के रखे हैं। बट गिविन का हिस्सा है तो मतलब इट इज गारंटीड, इस पे मोहर लगी हुई है क्योंकि डायग्राम ही ऐसी बनाई है हमने, इट इज गारंटीड। बट कोई गारंटी नहीं है ए बी और पी क्यू के बारे में जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मेक सेंस? यस ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग का मकसद समझ आया? अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से आयशा ने पूछा था, तो मुझे ये बताएं पहले कंस्ट्रक्शन का मकसद समझ आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम अभी जो करंट डायग्राम है इसकी मदद से हम थ्योरम को साबित नहीं कर सकते, हमें कुछ एडिशनल काम करना है अपनी डायग्राम्स के अंदर, तब जाके हम थ्योरम को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना हम करंट डायग्राम से तो साबित नहीं कर सकते, और जो काम हमें करना है उसको हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखेंगे। ये क्लियर है पॉइंट कि कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? यस ठीक है, हर थ्योरम में जरूरत नहीं पड़ती बट ज्यादातर थ्योरम्स में जरूरत पड़ जाती है, तो आप हर एक थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं देखेंगे बट ज्यादातर जरूरत पड़ती है तो हम डाल उसको करेंगे। बट इन दी एंड जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आखिरी रिजल्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, थ्योरम के एंड रिजल्ट का पार्टिसिपेंट नहीं होगा वो चीज, एंड रिजल्ट जो है हमारे पास जो गिवन का पार्ट है वो ही होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं, तो हमने भाई क्या एडिशनल कंस्ट्रक्शन किए, टारगेट मेरे जहन में आ गया, मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ कि ए बी और पी क्यू बराबर साबित करना है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसके लिए हम लाते हैं बेटे एक टेक्निक, वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने लिखी हुई है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड जो है ना वो उसको हम कहते हैं तजाद, तजाद के जरिए प्रूफ करना, साबित करना किसी चीज को। ठीक है, अच्छा तजाद के जरिए साबित करने से क्या मकसद है? पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मुझे ये बताएं कि जो चीज गिविन में लिखी है आपने वो तो हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी कि ऐसी चीज बनाओ, क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं, इसके इससे कोई इख्तलाफ कर सकते हैं? नो नो ठीक है, ये गारंटीड है, ऐसा तो बनाना ही बनाना है ना, आप जिससे इख्तलाफ कर सकते हैं वो इसके अलावा की बाकी चीजें, यानी जो साबित करना है, जो टू प्रूव डेट है, या इसके अलावा कोई भी चीज हो उससे आप इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं। सो जो साबित करना है ना, या जो चीजें गिविन का हिस्सा नहीं है उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। सो गिविन से तो आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, इस पे मोहर लगी हुई है, इट इज गारंटीड कि ये दो एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल में और एक साइड बराबर है दोनों ट्राइंगल में, इट इज गारंटीड। अच्छा, अब बाकी क्या चीजें रहती हैं हमारे पास? हमारे पास जिसकी गारंटी नहीं है वो है साइड ए बी और पी क्यू की गारंटी कोई नहीं है, सी ए और आर पी की कोई गारंटी नहीं है,
एंगल सी और एंगल आर की कोई गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी नहीं है, हम इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा, वाहिद आपका तमाम थियोरम्स में सिर्फ और सिर्फ थियोरम वन है जिसको हम प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक पे साबित कर रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट तरीकेकार है, आपकी बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, बहुत लंबा, आपने एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली यही लिखना है। अच्छा, ये जहन में रख लें, एग्जाम में ये टेक्निक वाला पार्ट नहीं लिखेंगे और ये टारगेट की हेडिंग नहीं है, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डजंट मैटर, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपने पास से लिखा है आपको समझाने के लिए। ये दो बातें हर थ्योरम के अंदर आपको मिलेंगी, ताकि इससे आपको पता रहे कि टारगेट क्या है, आखिर हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, आगे क्या चीज बाकी रहती है, और किस किस स्टेप में हमने क्या काम किया है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं टेक्निक की एडिंग में, बट ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे आप दोनों चीजें। ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किए, हमने बेटे कंस्ट्रक्शन ये किए कि मेरे पास कोई तरीकेकार नहीं था इसको साबित करने का, तो उसका तरीकेकार हमने ये किया कि मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है, ठीक है? तजाद क्या है, हम ये करेंगे कि असल असल में तो ये बराबर है, ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि बराबर नहीं है। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, देखें कॉन्ग्रुएंट के सिंबल के ऊपर मैंने क्रॉस डाला हुआ, एक स्लैश डाला हुआ, इसका मतलब बराबर नहीं है। अगर ए बी की लंबाई और पी क्यू की लंबाई कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, हम गलत लेके चल रहे हैं। अगर गलत लेकर चलने पर हम किसी गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं यहां पर, तो हम क्या समझेंगे इससे कि अगर मैं सही लेकर चलता तो सही नतीजे पे पहुंचता। बात समझें जरा, ठीक है, हम सही नहीं लेकर चल सकते इसको, हम सही सही नहीं लेके चल सकते। हम क्या कह रहे हैं कि हम गलत लेकर चल रहे हैं, और अगर गलत लेके चलने पर मैं गलत नतीजे पे पहुंच जाता हूं, तो इसका मतलब तजाद पर पहुंच जाता हूं किसी, तो इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर मैं सही लेकर चलता तो सही रिजल्ट पे पहुंचता। मिसाल देता हूं इसी थ्योरम से कि हम लेकर चले कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है और हम नीचे गलत नतीजे पर पहुंच गए, इसी बात से हम ये साबित कर देंगे कि अगर ये मैं सही लेके चलता, ये मैं लेके चला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर मैं लेके चलता कॉन्ग्रुएंट है तो मैं सही नतीजे पे पहुंच जाता। थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन मुझे बताएं ये अल्फाज मेरे समझ आ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में? यस। देखिए, किसी बच्चे के जहन में एक बात आ सकती है, तो सर सही ही लेके क्यों नहीं चल रहे, भाई सही लेके सही नतीजे पे पहुंच जाए। थोड़ा सा बात समझे, एक इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ सकता है कि भाई सर सही लेके चले ना, ए बी बराबर है पी क्यू के लेके चले सही और सही नतीजे पे पहुंच जाए, क्यों आप गलत लेके गलत नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं? सर इनकी गारंटी नहीं है क्योंकि, पहली चीज तो गारंटी नहीं है, दूसरी दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका जवाब है ना वो ये है कि बेटे अभी तो आप सिर्फ ज्योमेट्री से मुतालिक थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप बेइंतहा थ्योरम पढ़ेंगे जहां पर ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है जहन में कि भाई सही लेके चलते तो सही नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए था, पहली चीज तो ठीक कहा इशाल ने कि गारंटी नहीं है, दूसरा जो सबसे अहम जवाब है ना वो ये कि देखिए मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा हम प्रूफ करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक से, उसकी वजह क्या है, हम उल्टा लेके चलते हैं और गलत नतीजे पे पहुंच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम सीधा लेके चलें, समटाइम्स बहुत दफा ऐसा होता है अगर हम सीधा लेके चलें तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उसको कभी साबित ही नहीं कर पाते। पहली चीज, सीधा लेके चलने पर हम साबित ही नहीं कर पाते। दूसरी बात, समटाइम्स क्या होता है कि सीधा लेकर चलने पर कभी चार चार पांच पांच छह छह पेजेस लग जाते हैं साबित करने के लिए। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक ऐसा तरीकेकार है, लॉजिकल अकली तरीकेकार है, जो लॉजिक कहती है, अकल की बुनियाद पर हम तय करते हैं कि भाई हम सीधा लेके नहीं चल रहे, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम उल्टा लेके चल रहे हैं कि बराबर नहीं है। मिसाल इसी इसी मिसाल को ले लेते हैं, अगर बराबर नहीं है और हम गलत नतीजे पे पहुंच गए, तो उस गलत नतीजे से ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई अगर ये सही होता तो सही नतीजा आता। मेक सेंस कि क्यों हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं, या तो रिजल्ट आता ही नहीं है या तो चार चार छह छह दस दस पेजेस लग जाते हैं रिजल्ट आने में। और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से क्या होता है, गलत लेके चले गलत नतीजे पे पहुंच गए, दो चार स्टेप्स के अंदर ही रिजल्ट आ गया। ये क्लियर है पॉइंट क्यों हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहे हैं?
यस सर। ओके, सो हमने क्या कहा, हमने नेक्स्ट स्टेप में ये कहा बच्चों कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई तरीकेकार ही नहीं है इनको बराबर साबित करने का। तो मैंने कहा भाई ये ए बी और पी क्यू की लंबाई बराबर नहीं है। अच्छा मान लें कि ये लंबाई बड़ी है, ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। भाई अगर ये 6 मीटर है या 6 यूनिट लंबी है और ये 4 यूनिट लंबी है, तो मुझे ये बताएं कि कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां पर ये 4 मीटर लंबी बराबर हो जाएगी, ए बी और पी क्यू बराबर हो जाएगी। कोई तो ऐसी जगह होगी ना, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पर। भाई ये छोटा हो गया, ये वाला 4 मीटर होगा, चलें ये लंबा वाला 6 मीटर है तो ये अंदर कहीं होगा, या अगर ये छोटा है तो बाहर कहीं बड़ा होगा। ये बात समझ आती है? Yes. और बच्चे बताएंगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Excuse me sir, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ बेटे। देखें मैंने एग्जाम्पल दी कि ए बी और पी क्यू बराबर साबित करना यही टारगेट है हमारा। अच्छा उसके लिए प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक है। मैं लेके चल रहा हूँ कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, उल्टा लेके चल रहा हूँ और मैं देखूंगा गलत नतीजे पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सो इससे देखिए हमें फायदा क्या होगा। मैंने कहा कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ए बी 6 यूनिट लंबी थी और पी क्यू 4 यूनिट लंबी थी, छोटी थी। भाई बराबर नहीं है तो छोटे बड़े ही होंगे ना, यकीनन दूसरा तरीकेकार तो यही बनता है। अच्छा यहाँ बराबर नहीं है 6 मीटर, तो बेटे कहीं ना कहीं तो बराबर होगा बीच में, यहाँ कहीं 4 मीटर आ जाएगा। ए बी छोटा, देखें ये लंबी है ये छोटी है, तो कहीं अंदर होगा ना। भाई यहाँ कम करूंगा, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, यहाँ कहीं तो ये बचेगा 4, ये बच गया, तो कहीं अंदर बराबर होगा, तो ये 4 और 4 बराबर हो जाएंगे। अब बात समझ आती है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये अगर ये वाली लंबी है ये वाली छोटी है, ठीक है, या ऐसे लेके चल रहे हैं ये छोटी है और ये लंबी है, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, सो यहाँ कहीं ये बराबर होगा। अब अगर ये यहाँ कहीं बराबर हो गया तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी प्राइम, ये यहाँ पर बराबर है भाई। अच्छा अब ये यहाँ पर बराबर है तो मुझे ट्राइंगल भी तो कंप्लीट करना है ना, तो मैंने ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये ट्राइंगल मेरे पास एक बन गया, पी प्राइम क्यू आर, नया ट्राइंगल बन गया। यही काम हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है अज्यूम, ये हमारी अजम्पशन है, हमें नहीं पता ये बराबर है भी या नहीं है, ये तो आगे थ्योरम बताएगा कि हम गलत नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है, हमारी अपनी जाती सोच है कि ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट नहीं है लंबाई के एतबार से। अगर ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो टेक अ पॉइंट पी ऑन पी क्यू, टेक अ पॉइंट पी प्राइम ऑन पी क्यू, पी क्यू साइड पर एक पॉइंट पी प्राइम ऐसी जगह लें जहां पर पी प्राइम क्यू की जो लंबाई होगी, पी प्राइम क्यू की जो लंबाई होगी वो ए बी के बराबर आ जाए। मेक सेंस? क्यू टेक अ पॉइंट पी प्राइम ऑन पी क्यू, पी क्यू साइड पर एक पॉइंट पी प्राइम लें सच डेट इस तरह के ए बी की लंबाई और पी प्राइम क्यू की लंबाई बराबर आ जाए, जैसे मैंने अभी दिखाया ये लंबाई बराबर आ जाए। ये बात समझ आती है सर? जो हमने न्यू पॉइंट बनाया है इसे हम लाजमी है पी प्राइम कहें, कोई और अल्फाबेट से डिनोट नहीं कर सकते? कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स कह दें इसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये पी के पास था तो मैंने पी प्राइम कह दिया इसको, क्योंकि पी क्यू साइड पर था तो पी प्राइम कह दिया। आप एक्स कह दें, वाई कह दें, जेड कह दें, इट डजंट मैटर, बट जब आप एक्स कहेंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का फर्स्ट स्टेप है, यानी हम इसके अगेंस्ट इसको कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं इसकी लेंथ जो है डिफर कर रही है, ताकि हम इसका जो रिजल्ट हो वो रॉन्ग हो। नहीं, हमें नहीं पता आगे रिजल्ट रॉन्ग होगा ये नहीं होगा। अगर रिजल्ट रॉन्ग आ गया तो इसका मतलब हमने गलत अजम्पशन की है, ये अजम्पशन ही गलत है। अगर रिजल्ट गलत आ गया तो ठीक है, बट हम देखेंगे कि आगे रिजल्ट गलत ही आएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये चीजें अभी आपके काम की नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये भी काम का नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये एडवांस स्टेप है। ठीक है, ये आपकी साइड है पी क्यू, इस पे हमने एक पॉइंट पी प्राइम ले लिया, इस पॉइंट पी को मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। ठीक है, जहां पे पी प्राइम क्यू जो है वो ये रहा पी प्राइम क्यू, ये बराबर आ जाएगा ए बी के हमारी अजम्पशन के मुताबिक, हमने अपनी अजम्पशन की है। सो अब ट्राइंगल मैं बना दूंगा, ये साइड मैंने बना दी आर पी प्राइम, ताकि मुझे पी प्राइम क्यू आर ट्राइंगल मिल जाए। यहां तक बात समझ आ गई? सो यहाँ पे आपने एक और चीज लिखनी है एंड में, जो यहाँ नहीं लिखी हुई, ज्वाइन आर एंड पी प्राइम।
ये लाजमी आपने लिखना है, ये जो मैंने ज्वाइन किया है आर एंड पी प्राइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा सेपरेटली पी प्राइम आर क्यू, जिसको मैं सेपरेटली नीचे लिख दे बना के रख देता हूँ। यहां तक बात समझ आ गई। अब मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस देखूंगा, मुझे दो ट्राइंगल मिल गए। तो प्रॉब्लम आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई की कि प्रॉब्लम क्या थी और उसका हमने हल क्या निकाला। हमें एक साइड चाहिए थी ना, ए बी और पी क्यू बराबर चाहिए थे। सो हमारी अजम्पशन के मुताबिक ए बी और पी क्यू तो बराबर नहीं है, बट ए बी और पी प्राइम क्यू तो बराबर आ गए ना बेटा। यस ठीक है, साइड बराबर चाहिए थी ना, तो साइड बराबर ले आए हम, अपनी अजम्पशन से जरूर ले आए, वैसे तो हमें नहीं पता बट अजम्पशन से हम ले आए। अजम्पशन के बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है प्रूफ टेबल। अब हमने प्रूफ करने पे जाना है। हमारी अजम्पशन के मुताबिक तो हमें साइड मिल गई है ए बी बराबर है पी प्राइम क्यू के, ये कॉन्ग्रुएंट मिल गई है, एंगल बी और जो एंगल क्यू था वो बराबर थे, इसी तरह से साइड बी सी और साइड क्यू आर बराबर थे। अच्छा, अब ये प्रूफ टेबल आप देख लें हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आप बेटे प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट टेबल आप एक बनाएंगे। आपने एग्जाम के अंदर टारगेट नहीं लिखना, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके प्रूफ का पार्ट नहीं है। इसी तरह ये टेक्निक जो मैंने लिखा हुआ है, ये सेक्शन भी आपके थ्योरम का हिस्सा नहीं है, ये आपको मैंने सिखाने के लिए लिखा है। आप जो लिखेंगे सिर्फ प्रूफ की हेडिंग डालकर, ये दो चीजें आएंगी, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। जो आप यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे उस किस वजह से, किस उसूल की बुनियाद पर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर रीजन लिखना जरूरी है, जो आपको ये तमाम रीजंस नजर आ रहे हैं। ओके, तो आपके थ्योरम को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। ये आपको पॉइंट नंबर वन नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, देन पॉइंट नंबर टू यहाँ से यहाँ तक रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ताकि आपके लिए थ्योरम को लिखना समझना आसान हो जाए। सो पॉइंट नंबर थ्री है ग्रीन कलर में यहाँ से यहाँ तक, और देन पॉइंट नंबर फोर है आपके यहाँ से यहाँ तक। सो चार पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। ये पॉइंट्स किस बारे में है पहले मैं ये बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, इसमें हम दोनों ट्राइंगल्स के, दो ओरिजिनल जो ट्राइंगल हैं, ये पहला ट्राइंगल, और मैं जरा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो पहले पॉइंट में चीजें आपके पास लिखी हुई हैं, लिखने का तरीकेकार भी अभी हम सीखेंगे, वो है इन दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल को बराबर दिखाना। ठीक है, ये पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या है, इन दो ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर जो आपको डायग्राम दी गई थी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर में, दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल बराबर दिखाना, ये हमारा पहला स्टेप होगा। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम इस्तेमाल करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में तजाद के जरिए हम साबित करेंगे कि क्या मसला हमें प्रॉब्लम हुआ अपनी अजम्पशन के हिसाब से। ओके, वो जो आपका प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है वो इन दो हिस्सों पर है, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री पर। लेकिन उसको हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन को, पॉइंट नंबर थ्री पे। पॉइंट नंबर टू में क्या काम करेंगे हम, पॉइंट नंबर टू में जो हमारे पास दो ट्राइंगल बन कर आए थे, ठीक है, एक ओरिजिनल ट्राइंगल और एक वो ट्राइंगल जो हमने ये वाला जो बनाया था पी प्राइम पॉइंट की मदद से। इसमें हमने क्या किया था, कुछ आपको याद है, पी प्राइम क्यों लिया था, क्योंकि हमें क्या चीज चाहिए थी, सेम कॉन्ग्रुएंसी चाहिए थी ए बी से। बिल्कुल, एक हमें साइड बराबर चाहिए थी। तो जैसे ही हमें साइड बराबर मिली, हमने फौरन से साइड एंगल साइड लगाकर पॉइंट नंबर टू में दोनों ट्राइंगल को बराबर साबित किया। तो पॉइंट नंबर टू में हमने ओरिजिनल ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में फौरन से दोनों ट्राइंगल को एस एस लगाकर हमने बराबर साबित कर दिया। ये हमारा पॉइंट नंबर टू है। देन पॉइंट नंबर थ्री में हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि ये जो ट्राइंगल था ये हमारी अजम्पशन के मुताबिक था, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन फौरन से लगाया, और लगाने के बाद हमें फौरन पता लग गया कि असल में ए बी और पी प्राइम क्यू बराबर नहीं है, ए बी और पी क्यू बराबर है। तो हमने फिर उसके बाद लास्ट में फाइनल स्टेप में दोनों ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर दिया। सो ये हमारे स्टेप्स हैं। एक ओवरव्यू अभी मैंने आपको दे दिया है कि क्या किन स्टेप्स में ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा, पहला स्टेप फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दो ओरिजिनल ट्राइंगल जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, दो ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर लाने, ये पहला काम है। क्यों कर रहे हैं ये, तो अभी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा ना। दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई हो रहा है पॉइंट नंबर थ्री में। पॉइंट नंबर टू में जो दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ओरिजिनल ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है पी प्राइम क्यू आर,
जो आपने assumption के मुताबिक लिया था, तो यकीनन साइड एंगल साइड ही यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि आपको एक साइड मिल चुकी है. सो जैसे ही हमने पॉइंट नंबर टू में साइड एंगल साइड लगाया, हमने देखा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? कोई चीज पॉइंट नंबर टू में आई है और वो पॉइंट नंबर वन से टकरा रही है, तजाद पैदा कर रही है वो. तो फौरन से हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगा के साबित किया कि नहीं, ए बी और पी प्राइम क्यू बराबर नहीं है, असल में ए बी और पी क्यू बराबर है. तो जैसे ही मुझे ए बी और पी क्यू ही चाहिए था बराबर, यहाँ देखें लिखा हुआ है, जैसे ही हमें ये साइड बराबर मिली प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, हमने फौरन से दो ओरिजिनल डायग्राम वाले ट्राइंगल पे साइड एंगल साइड लगा दिया और दोनों साबित कर दिए बराबर. होप इट मेक सेंस. थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि क्या किन बातों से मुतालिक ये पॉइंट्स हैं? यस सर. यस सर. ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बस यही चीज है. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट लिखने का तरीकेकार भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे अच्छी. देखो बेटे, जब भी दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे होते हैं हम, तो सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डेंस शो करनी होती है शॉर्टकट तरीके से. मैंने लिखा इन, लिखना पहले जरूरी है. यहाँ देखें गिवन में भी इन लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल पी क्यू आर से. तो पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाना जरूरी है इस तरह से. उसकी वजह क्या है कि भाई पहले तो आप ये बताएंगे ना कि आप काम किस चीज पर कर रहे हैं, किस चीज पर काम कर रहे हैं, वो बताना जरूरी है, वो दिखाना जरूरी है. सो तभी मैं कोई काम कर पाऊंगा. ओके, तो हम किस तरह लिखते हैं कि भाई किस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ वो बताना जरूरी है. मैंने पॉइंट नंबर वन की हेडिंग डाली, आप भी इसी तरह हेडिंग डालें एग्जामिनर को ताकि आसानी हो समझने में और पढ़ने में. फिर किस चीज के बारे में? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस देखें. हम देखने वाले को और लिखने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने जब इस थ्योरम को पढ़ना है तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है इस स्टेप के अंदर. फाइन, तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? पहले स्टेप में आप दिखाएंगे, एक देखें शॉर्ट हेडिंग डाली हुई है इस तरह से, ठीक है. पॉइंट नंबर वन, इसमें मैंने दिखाया है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी से. मैंने क्या करना है पहले स्टेप में जहन में रखना है, तीनों एंगल बराबर साबित करने. कैसे साबित करेंगे अभी वो हम देख लेते हैं. सो एंगल ए एंगल पी से कॉन्ग्रुएंट है. आप रीजन मुझे बताएंगे, वजह मुझे बताएंगे कि बेटे किस बुनियाद पर ये कॉन्ग्रुएंट है, जरा बताएंगे वो रीजन मुझे देना है यहाँ पर. तो क्योंकि हमने जो ट्रायंगल बनाया उसमें दो एंगल्स और एक साइड जो है वो इक्वली कॉन्ग्रुएंट. बिल्कुल, तो ये किस तरह इसको लिखने का तरीके का है बेटे, ये गिविन का पार्ट है. गिविन यहाँ देखें, ठीक है, इसको आप लिखेंगे कि क्यों, रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि बेटे ये गिविन में है, आपको दिया गया है ये, इट इज गिविन. बात समझ आ गई? यस. हाँ ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट. इसमें तीनों एंगल्स की जगह हम तीनों साइड्स नहीं ले सकते? तीनों, अच्छा सवाल है आपका. बात ये है कि एक तो पहली बात मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास एक ही साइड है ना, साइड बी सी और साइड क्यू आर, तो तीन साइड तक पहुंचना मेरे लिए कोई तरीकेकार नहीं है कि मैं तीन साइड तक पहुंचूं. ठीक है, तीन एंगल तक हम कैसे पहुंचेंगे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. इसी चीज से मुतालिक ये तीनों पॉइंट्स हैं. ओके, सो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, ये बात मुझे पता है क्योंकि ये गिविन में दिया गया है, हमने डायग्राम ही ऐसी बनाई है. सेकंड नंबर पे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू से, एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इस ट्राइंगल में और इस ओरिजिनल ट्राइंगल में. होप क्लियर है ये, मैं पहले दिखा देता हूँ इन दो ट्राइंगल्स पे हम काम कर रहे हैं. यहाँ तक बात क्लियर है? ये मुझे बताएं कि दूसरा पॉइंट एंगल बी और एंगल क्यू के कैसे बराबर है? सही, क्योंकि वो भी गिविन का पार्ट है. एग्जैक्टली, वो भी गिविन का पार्ट है. ठीक है, यहाँ हमने लिख रखा है गिविन में. थर्ड नंबर पे हम बता रहे हैं कि एंगल सी और एंगल आर भी बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. ये किस बुनियाद पे बता रहे हैं? अच्छा, यहाँ आपने क्या करना है एक काम कि थर्ड एंगल किस तरह बराबर है ये अभी मैं बताता हूँ आपको. आपने ये काम करना है कि इस एंगल आर को ना एंगल क्यू आर पी भी करके लिख देना है साथ में ब्रैकेट में. ठीक है ना, इसको मैं क्यू आर पी भी लिख सकता हूँ ना इस तरह. ये जो एंगल आर है या तो वर्टेक्स से डिफाइन कर दें या इससे डिफाइन कर दें, असल में इसका आगे काम आना है, इसलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं इसको एंगल क्यू आर पी भी करके लिख दूं. एक ही बात है, एंगल आर भी इसका नाम है, एंगल क्यू आर पी भी इसका नाम है. ओके, जब भी किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होता ही होता है. ये थर्ड एंगल थ्योरम है आपका. ये किस तरह बराबर होता है बेटे? आपका एक थ्योरम है जो पिछली मैट्रिक की बुक में था और वो पांचवें नंबर का थ्योरम था, वो पहले प्रूव होता था. और ये जो आपको अभी पहला थ्योरम पढ़ा रहे हैं ये सातवें या आठवें नंबर पे था. सो उससे पहले आप वो प्रूव करते थे और वो थ्योरम था एंगल सम थ्योरम, कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. यहाँ मिसाल के तौर पे एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो ट्राइंगल में कंपेयर कर रहा हूं, मुझे बताएं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो इसका सम भी किसके बराबर होना चाहिए? थ्योरम है ये 180 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लें कि ए और पी कॉन्ग्रुएंट है, ये तो गिवन में है ना, ए और पी कॉन्ग्रुएंट है, बी और क्यू कॉन्ग्रुएंट है, दो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इससे हम ये साबित कर रहे हैं कि तीसरा एंगल भी सी और आर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ले ए 60 डिग्री था, कुछ भी हो सकता है, पी भी 60 डिग्री होगा क्योंकि बराबर है। अगर बी 50 डिग्री है तो क्यू भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो मुझे गिवन में दिया गया है कि दो एंगल्स बराबर हैं दो ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, अब पहला स्टेटमेंट जरा देखें, ये वाला, इसमें मुझे बताएं कि एंगल सी क्या होना चाहिए, कुछ अंदाजा लगाएंगे आप? 70 डिग्री। आपने बेटे क्या सोचा, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री बराबर लाना है ना, 60 और 50 110 होता है, पीछे रह जाता है 70, तो 70 आएगा तो ये 180 बनेगा। तो यही बात तो बेटा नीचे भी सोचें, जब 60 और 50 मौजूद हैं तो एंगल आर क्या होना चाहिए? 70 डिग्री। तो ऑटोमेटिक सी और आर बराबर आ गए, क्योंकि दोनों को 180 डिग्री रहना है। ये बात समझ आती है? यस। ठीक है, शर्त क्या है उसके लिए? दो एंगल बराबर होने चाहिए किसी भी दो ट्राइंगल में, एक नहीं दो बराबर होने चाहिए, तो तीसरा बराबर होगा। जब मैं कह रहा हूँ तीसरा बराबर होगा, तो एंगल सम थ्योरम की मदद से ये तीसरा एंगल क्या कहलाएगा? थर्ड एंगल। तो इस वजह से ये कहलाता है थर्ड एंगल थ्योरम। होप मेक सेंस कि एंगल सी और एंगल आर क्यों बराबर है? क्योंकि थर्ड एंगल थ्योरम है ये हमारा, जो हमने एंगल सम थ्योरम की मदद से निकाला है। ये बात क्लियर है? यस यस। ठीक है, तो अब आप दिल से मानते हैं कि वाकई जो है ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा? यस। ओके, सो इट मींस के दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर हैं। इसको हम कह सकता हूं मैं एंगल एंगल एंगल। यहाँ एक और बात आपको समझाते हुए चलूं साथ में, इसको मैं ये कह सकता हूँ ना भाई, दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर है ना, एंगल एंगल एंगल, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड निकाल रहे हैं, तो ये एंगल 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 बनेगा, तीनों एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ये बात भी समझ आती है? यस। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर हो, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। ये बात आप जहन में रख लें कि अगर तीन मालूमात हैं हमारे पास और वो तीन मालूमात एंगल की हैं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। अगर बराबर होते तो मुझे आगे प्रूफ करने की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ, इससे फिर हमें क्या पता लगता है, अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल बराबर होंगे तो इट मींस कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हैं। जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे, सिमिलर का निशान ये होता है सिंबल। ठीक है, फिलहाल आपका इसका कोई काम नहीं है सिमिलर होने का, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, ये काम हमने क्यों किया है, इसलिए क्योंकि इसकी मदद से हम आगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन पे इसको अप्लाई करेंगे, तो इस रिजल्ट को हमने संभाल के रख लेना है। इस वजह से हमने पहले ये काम किया है, क्योंकि इसका काम आगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा, पॉइंट नंबर 3 में आएगा, तो पहले हमने इसको करके रख लिया है अपने पास। ओके, सो सर ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है एंगल क्यू आर पी, लिखना लाजमी है? हाँ बेटे, क्यू आर पी इसलिए लिखना लाजमी है क्योंकि आगे आपको इसी सेम जगह पे एक और एंगल क्यू आर पी प्राइम मिलेगा, तो एक वर्टेक्स पे दो एंगल मिल जाएंगे ना। अच्छा सवाल है आपका, एक वर्टेक्स आर पर हमें दो एंगल मिलने वाले हैं, इसलिए इसको क्यू आर पी लिख दें, ज्यादा बेहतर है और यही अच्छा है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, अब यहाँ मैं एक और चीज बताता हुआ चलूं आपको साथ में, कि यहाँ हमने इस रिजल्ट को संभाल के रख लेना है। अच्छा, इट डिपेंड ऑन योर डायग्राम, कि आपने जो डायग्राम ली है उसके एतबार से डिपेंड करता है ये बात कि आपको इन तीनों एंगल में से किस एंगल पर जो है आप प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरी डायग्राम के एतबार से हम जो इसको अप्लाई करेंगे एंगल सी और एंगल क्यू आर पी पे करेंगे। ओके, तो ये रिजल्ट हमने संभाल के रख लिया अपने पास, इसकी मुझे जरूरत थी। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया किस बात से मुतालिक है? यस। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो है उस पे हम काम करेंगे, जो हमारा वो ट्राइंगल था जहां पे हम साइड बराबर लाए थे, जहां हमारा झगड़ा चल रहा था कि भाई साइड बराबर चाहिए मुझे साइड एंगल साइड लगाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल होंगे जरा बताएंगे मुझे बच्चे?
PQR and PQR P prime QR and ABC. Exactly. ABC and P prime QR. जबरदस्त. तो इसका मतलब अगर मुझे AB और P prime Q ये दोनों साइडें अगर बराबर मिल गई हैं मेरी assumption के मुताबिक, तो फिर हम फौरन से क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड लगाएंगे. तो पॉइंट नंबर टू में हम यही काम करने जा रहे हैं. वंस अगेन मैं किस चीज पर काम कर रहा हूँ वो मुझे बताना जरूरी है. सो इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल P प्राइम QR, प्राइम लिखना मत भूलना है, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है. ओके, अब इनकी अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं तो उसके एतबार से सबसे पहली चीज, सो पहले पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि AB कॉन्ग्रुएंट है P प्राइम Q के. ये कैसे पता मुझे कि AB और P प्राइम Q बराबर है? Assumption से सर. हाँ, ये हमारी assumption है, ये हमने सोचा था कि ये बराबर हैं. ठीक है, ये तो हमारी अपनी सोच है, जाती सोच है. ठीक है, फाइन. फिर पहले ये हो गई क्योंकि मैं साइड एंगल साइड लगाना चाह रहा हूं, तो इसका भी तरीके का आप देख लें साथ में कि कैसे लगाना है. पहले साइड हो गई, देन उसके बाद ये एंगल, देन फिर साइड की बात करूंगा ताकि सिक्वेंस से आ जाए पूरी चीज, पॉइंट वन, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री आ जाए. ठीक है, ये सिक्वेंस से चलेंगे. अगर आप यहां से चल रहे हैं तो ए बी पहले एक साइड, फिर एंगल, फिर बी सी, इस तरह चलेंगे तब भी साइड एंगल साइड बनेगा ये. ठीक है, सो आपको समझ आ गया ए बी पी प्राइम क्यू के बराबर है, ये हमारी अजम्पशन है. दूसरे नंबर पे मैंने साइड नहीं बतानी, अब बी सी और क्यू आर नहीं बताना, तरीके से चलेंगे. अब हमने साइड के बाद एंगल बताना है क्योंकि मेरे जहन में है मैं साइड एंगल साइड लगाने जा रहा हूँ. सो एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसे पता मुझे? सर ये गिवन द, बिल्कुल ये गिवन का पार्ट है. फिर थर्ड साइड और एंगल हो गया, देन थर्ड नंबर पे फिर साइड लगाना है, बीसी और क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, तीन तीन टिक मार्क आपको नजर आ रहे हैं, इट मींस ये भी गिवन का पार्ट है. अगर किसी भी दो ट्राइंगल में ये तीन मालूमात बराबर हैं, साइड इंक्लूड एंगल और साइड, तो इट मींस के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर असल में कॉन्ग्रुएंट है इन तीन मालूमात की बुनियाद पर. सो ये हमने इसका भी रीजन देना है किस मालूमात की बुनियाद पर, कौन सी चीज हमने लगाई है, एस एस पोस्टुलेट, क्योंकि साइड एंगल साइड बराबर हैं और ये इंक्लूड एंगल है. सो एस एस पोस्टुलेट मैंने आगे रीजन लिख दिया. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर बराबर हैं, हमें मिल गए हैं बराबर एस एस पोस्टुलेट के जरिए, तो इनकी जो बाकी की तीन चीजें रहती हैं, बाकी की तीन चीजें कौन सी रहती हैं? मुझे एंगल सी और एंगल आर की मालूमात नहीं थी. ठीक है, एंगल क्यू आर पी प्राइम बनेगा इसमें, इसकी मालूमात तो नहीं थी ना, ये बराबर हैं या नहीं है, ये भी बराबर आ जाएंगे. इसी तरह से साइड सी ए और साइड आर पी प्राइम भी बराबर आ जाएंगे. ठीक है, और इसी तरह से एंगल ए और एंगल पी प्राइम भी बराबर आ जाएंगे. बात ठीक है ना, ये बात समझ आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Yes. देखिए, आई रिपीट जिस बच्चे को नहीं समझ आया कि देखें बेटे, किसी भी ट्राइंगल में छह चीजें होती हैं, तीन साइडें होती हैं लंबाइयां और तीन एंगल होते हैं. मैंने असल में तीन मालूमात ली हैं, उन तीन मालूमात की बुनियाद पर ये तय किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, तो बाकी की जो तीन मालूमात रहती हैं वो भी बराबर आ जाएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ही बराबर हैं. ठीक है, तो बाकी की मालूमात क्या रहती है? ए बी और पी प्राइम क्यू तो बराबर हैं, बी और क्यू तो बराबर हैं, एंगल साइड बी सी और क्यू आर तो बराबर हैं, लेकिन एक साइड और जो दो एंगल बाकी रहते हैं ना वो भी बराबर होंगे. अब उसमें से मुझे जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है इसकी वजह से हमने ये साबित कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स जो बराबर हैं, एंगल सी और एंगल क्यू आर पी प्राइम भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे. ये बात मानते हैं, एंगल सी और एंगल क्यू आर पी प्राइम भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना भाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर है, तो जो बाकी तीन चीजें इनके अलावा वो भी बराबर होंगी. ये बात समझ आती है बच्चों को? ओके, सो तो ये चीज मैंने सिर्फ काम की है, बाकी जो एक और एंगल है और एक और साइड है वो मेरे काम की नहीं है, तो मैंने ये निकाल के रख लिया. मैंने आपको अभी पॉइंट आउट किया था इस बात के बारे में कि एंगल सी और एंगल क्यू आर पी का आगे काम आएगा, इस पे मसला होगा. ओके फाइन, तो मैंने ये निकाल के रख लिया. इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी का मतलब होता है सी रिप्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग, पी रिप्रेजेंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसको समटाइम हम सी पी सी टी सी भी लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या सी पी सी टी भी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, तो आपने यही फॉर्म इस्तेमाल करनी है. इसका रीजन समझ आ गया, जब भी
किसी भी थ्योरम से या पोस्टुलेट से आप दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करेंगे तो उसके बाद जो भी पॉइंट आप लिखेंगे उसकी वजह से, तो वो हम लिखते हैं कि सीपीसीटी, यानी ट्राइंगल बराबर होने की वजह से ही बाकी चीजें भी बराबर हैं, जिसमें इंग्लिश का वर्ड आएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इनके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ आती है सीपीसीटी क्या है यहाँ पर? यस यस ठीक है, यस सर। तो पॉइंट नंबर टू में हमने क्या काम किया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमने दो ट्राइंगल्स बनाए थे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर, इन दोनों को बराबर साबित करना था एस ए एस से। और वो क्यों बराबर साबित करना था? क्योंकि मुझे एंगल सी और एंगल क्यू आर पी प्राइम बराबर चाहिए था। ओके, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर थ्री की। पॉइंट नंबर थ्री में अब क्या है, अब ये रिजल्ट जहन में रखें जो अभी आपने निकाला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर से, और ये रिजल्ट आप याद रखें एंगल सी और एंगल क्यू आर पी, इन दोनों रिजल्ट को जहन में रखते हुए ये हमें कह रहा है कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी के, और ये हमें कह रहा है कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी प्राइम के। जरा मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, ये रहा एंगल सी, ये कह रहा है कि ये बराबर है एंगल क्यू आर पी के जो मैंने अभी बनाया है, और ये मुझे कह रहा है कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी के इस एंगल के, और ये बात मुझे बता रहा है, और ये मुझे बता रहा है कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी प्राइम के, पी प्राइम यहां पर मौजूद है। क्या दोनों एंगल बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू आर पी और एंगल सी एंगल क्यू आर पी प्राइम के बराबर हो सकता है, दोनों एंगल्स के बराबर हो सकता है एंगल सी? नो नो, मसला क्या है यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है सर? क्यू आर पी प्राइम जो है वो मतलब छोटा है क्यू आर पी से। बहुत जबरदस्त, ये किस बच्चे ने जवाब दिया है? इशाल। इशाल बहुत जबरदस्त बेटे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है क्यू आर पी बड़ा है और क्यू आर पी प्राइम छोटा है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे साबित नहीं करते ना, हमारे पास कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए, हमने यहाँ रीजन देना है, तरीके का रीजन देना है। क्यू आर पी के अंदर ही बनाया है हमने क्यू आर पी प्राइम, इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, बट आप ये देखें, अच्छा सवाल है, मैं इसको एडवांस स्टेप में लेके जाना चाह रहा था बेटे, ये बाहर भी हो सकता है। अब इस केस में क्या हो गया, क्यू आर पी प्राइम बड़ा हो गया, ये भी हो सकता है, बट इसको मैं एडवांस स्टेप में सिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है? पहले तो हम ये वाली बात कंप्लीट कर लेना, उसके बाद सीखते हैं ये। अच्छा, इसका रीजन क्या है, एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट क्या कहता है हमें? एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ये कहता है बेटे कि एक जगह पर एक ही एंगल हो सकता है, यूनिक एंगल। अगर ये 30 डिग्री है, इतनी दूरी 30 डिग्री कहलाती है, तो अगर इसी पर एक और दूरी आप लगा देंगे तो वो 30 डिग्री दोबारा रिपीट नहीं होगा, हर एंगल यूनिक है। अब ये 30 से ज्यादा होगा, अगर अंदर हो जाता है तो 30 से कम होगा, 30 डिग्री सिर्फ इस और सिर्फ इसी जगह पर होगा। ये बात समझ आती है? यस यस। हाँ, तो हमें सीधा सीधा एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ये बता रहा है कि भाई ये दोनों एंगल बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो हमने फौरन से लिख दिया कि भाई एंगल क्यू आर पी और एंगल क्यू आर पी प्राइम ये दोनों बराबर नहीं है। हमें कैसे पता ये दोनों बराबर नहीं है? एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट हमें कह रहा है अगर ये बराबर नहीं है, सो इट मीन्स, तो हमने जो अपनी अजम्पशन ली थी कि ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, यहाँ पे हमने अजम्पशन ली थी, इस अजम्पशन से इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का निशान है, ये मैं आपको बता दूं, इस तरह लिखते हैं इम्प्लाइज, इक्वल के आगे एरोहेड बनाते हैं। इससे नतीजा ये निकला, इम्प्लाइज का मतलब होता है इस अजम्पशन से या किसी भी चीज से जब कोई नतीजा निकलता है, इससे नतीजा ये निकला कि एंगल सी बराबर आ गया एंगल क्यू आर पी प्राइम के, जो कि एक गलत रिजल्ट है। इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये गलत रिजल्ट क्यों है? अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह है आखिर, मैं इस एंगल को गलत नहीं कह रहा, मैं इस एंगल को गलत कह रहा हूं, एंगल सी क्यू आर पी प्राइम के बराबर है, ये गलत है, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये ऊपर वाला गलत नहीं है, उसका रीजन कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन जहीन बच्चा? सर क्योंकि ऊपर वाली चीज की हमारे पास गारंटी है और नीचे हमने अजम्पशन की थी, पी प्राइम अजम्पशन से लिया था हमने। बहुत जबरदस्त, कौन बच्चा है ये? आयशा। आयशा ठीक है, तो बेटे किस चीज की गारंटी है ऊपर बताएं, इधर किस चीज की गारंटी है, कौन सी चीज गारंटी कर रही है यहाँ पर? रीजन देखें, रीजन कौन सी चीज गारंटी कर रहा है हमें यहाँ पर? थर्ड एंगल थ्योरम से पता चला, थर्ड एंगल थ्योरम। तो ओके, यहाँ पे जो चीज गारंटी कर रही है वो कौन है, क्या चीज है? थर्ड एंगल थ्योरम। हाँ, वो थ्योरम गारंटी कर रहा है, थ्योरम से तो इंकार ही नहीं कर सकते, गिविन से भी इंकार नहीं कर सकते आप, गिविन का मतलब ये डायग्राम बनाओ ही बनाओ, ठीक है? और
ये बता रहा है कि ये थ्योरम है, थ्योरम से कैसे इंकार कर सकते हैं जब एक चीज साबित शुदा है, ठीक है, साबित शुदा चीज से कभी इंकार नहीं हो सकता, इट इज गारंटीड प्रूवन, ये सबूत है इसका, ये बात समझ आ गई कि ये थ्योरम है, थ्योरम से इंकार नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आपकी अजम्पशन की, इट मीन्स कि आपकी अजम्पशन की, आपकी सोच तो गलत हो सकती है ना, थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपकी सोच, इसका मतलब जो आपकी सोच आपने नया पॉइंट पी प्राइम लिया था वो गलत है, उधर बराबर नहीं है वो, इससे ऑटोमेटिक साबित हो जाता है कि आपने लिया ए बी बराबर नहीं है पी प्राइम क्यू के, असल में ये बराबर है, क्योंकि हर वो जगह जहां पे ए बी और पी प्राइम, हर वो जगह जहां पे ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, हर उस जगह पर एंगल क्या आ रहा है, एंगल सी एंगल क्यू आर पी प्राइम के बराबर आ रहा है, और एंगल क्यू आर पी प्राइम एंगल सी के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत रिजल्ट है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, थ्योरम की गारंटी है एंगल सी असल में एंगल क्यू आर पी के बराबर है, जब इसकी गारंटी है तो इट मीन्स कि हर उस जगह पर जहां पे ये दोनों बराबर नहीं है हम एक गलत रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, और अगर मैं सही लेता ए बराबर है पी क्यू के तो मैं सही रिजल्ट पे पहुंचता, इट मीन्स कि ये दोनों बराबर हैं, ए बी और पी क्यू बराबर हैं, हमारी अजम्पशन गलत है यहाँ पर, और ये हमने साबित कर दिया ए बी और पी क्यू बराबर हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, तजाद के जरिए, इट मीन्स हम गलत लेकर चले, गलत नतीजे पे पहुंच गए, तजाद आ गया सामने, कि तजाद ये आया कि ये एंगल गलत एंगल है, और अदरवाइज अगर ये सही होता तो सही रिजल्ट आना था, क्योंकि ये तो प्रूवन चीज है, इसके अगेंस्ट रिजल्ट आ गया, इसकी मुखालफत में रिजल्ट आ गया थ्योरम की। सर, इसमें हम मतलब सीधा वो भी तो कर सकते थे कि ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू आर. अभी नहीं कर सकते थे ना, अब करेंगे ना, यहाँ पर देखें चौथे स्टेप में, तो सर मतलब वो तब तो सीधा सीधा आ जाता और फिर सी वो फर्स्ट वाले स्टेप से मैच हो जाता वो. हाँ देखिए बेटे इस टाइम क्या गारंटी थी आपके पास कि आपकी ए बी पी क्यू के बराबर है, कोई गारंटी है नहीं नो है ना, तो उसी के लिए तो हमने काम किया है, ये इतना सारा, ये जो सारा हमने काम किया उसी के लिए काम किया है, ए बी और पी क्यू बराबर लाने के लिए, उसमें हमने किसकी मदद ली, पहले थर्ड एंगल थ्योरम की मदद ली जिसमें हमने एंगल सी और एंगल क्यू आर पी के बराबर लिया, फिर आगे हम अपनी अजम्पशन लेकर चले, अजम्पशन लेके चलने पे हमने देखा कि एक रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, गलत आ गया, एंगल सी एंगल क्यू आर पी प्राइम के बराबर आ गया, जबकि एंगल सी क्यू आर पी के बराबर होना चाहिए, ये थ्योरम से गारंटीड है, और ये हमें कैसे पता, क्योंकि एंगल क्यू आर पी और क्यू आर पी प्राइम बराबर नहीं है, एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ये कहता है कि ये दोनों अलग अलग एंगल हैं, अगर दोनों अलग अलग एंगल हैं तो एंगल सी या तो क्यू आर पी के बराबर होगा या तो एंगल सी क्यू आर पी प्राइम के बराबर होगा, दोनों के बराबर नहीं हो सकता एक ही वक्त में, किसी एक के बराबर होगा, अब ये तय करना था कि किसके बराबर होगा, कौन सी चीज सही है, तो ये वाली चीज जो है वो थ्योरम से साबित है, सो इट इज गारंटीड कि एंगल सी क्यू आर पी के बराबर है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारी सोच की, जो हमारी सोच से एंगल सी एंगल क्यू आर पी प्राइम के बराबर आया, इट मीन्स कि हमारी अजम्पशन गलत है, वो गलत हो सकती है, थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकता, तो इससे हमने साबित किया कि हमारी अजम्पशन जो थी ए बी पी प्राइम क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, उसकी वजह से हम गलत रिजल्ट पे पहुंचे, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत है, असल में हर वो जगह जहां पे ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है हम हर उस जगह पर एक गलत एंगल पे पहुंचेंगे, अगर बराबर नहीं लेने पे गलत एंगल पे पहुंच रहे हैं तो सही लेने पे सही एंगल पे पहुंचते हैं, तो इट मीन्स कि ये ए बी और पी क्यू बराबर हैं, मेक सेंस, बात समझ आती है, ठीक है, यस तो ये हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से तजाद के जरिए साबित कर दिया कि हम अजम्पशन लेके चले और हम गलत नतीजे पे पहुंच गए, अगर हमारी अजम्पशन सही होती तो ये थ्योरम की मुखालफत कभी ना करता, इट मीन्स कि हमारी अजम्पशन गलत है, बताने का मकसद ये है, सो फौरन से हमें यही तो चाहिए था, सारा झगड़ा इसी बात का था कि ए बी और पी क्यू बराबर चाहिए, एक साइड और बराबर चाहिए मुझे, तो जैसे ही मुझे एक साइड और बराबर मिली तो फौरन हमने क्या किया, इस काम के बाद हमने फौरन से कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई चौथे स्टेप के अंदर, जो हमें चाहिए ही चाहिए था वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों ओरिजिनल ट्राइंगल्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस हमने दिखाई, सबसे पहले साइड एंगल साइड लगाने जा रहे हैं तो ए बी और पी क्यू, ये ट्राइंगल का निशान गलत है, ये साइड है ऊपर निशान आएगा, ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है दोनों साइड है, अच्छा ए बी और पी क्यू कैसे कॉन्ग्रुएंट है बताएंगे, सर, ऊपर सर हमने इसको प्रूफ प्रूफ किया है ये. अभी प्रूफ किया है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से पॉइंट नंबर थ्री में, ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड इन पॉइंट थ्री, ओके अब हो गई साइड की बात,
ये साइड है मैंने दिखा दी, साइड के बाद क्या दिखाना है, अगली साइड दिखाऊंगा मैं या एंगल दिखाना जरूरी है बताएं? इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल, क्योंकि साइड एंगल साइड चल रहा हूं मैं ऐसे. सो एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है. यहाँ पे गिविन इसका रीजन है, ये ऊपर गिविन से चल रहा है. बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी गिविन से चल रहा है हमारे पास. सो साइड एंगल साइड हो गया हमारे पास, साइड एंगल और ये बी सी क्यू आर के बराबर है साइड. जैसे ही साइड एंगल साइड बराबर है, सो इट इज गारंटीड फ्रॉम एसएस पोस्टुलेट के दोनों ट्राइंगल क्या है, बराबर है. ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. रीजन लिखते हैं एसएस पोस्टुलेट. तो हमने करना क्या था, दोनों ट्राइंगल क्या चाहिए मुझे, बराबर. सो वी प्रूव्ड हियर. ठीक है बच्चों, मजे करें. एंड में आप लाजमी लिखते हैं क्यू ई डी, जब रिजल्ट आपका आ जाता है तो एंड में, जैसे यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है क्यू ई डी, ये आप लिख देते हैं. जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया, प्रूव हो गया. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेप जो आपको परेशान कर रहा हो, कंफ्यूज कर रहा हो, आप सवाल पूछ सकते हैं. सर आपने तो कहा था कि इसमें हम एंगल एंगल साइड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो हम एंगल साइड एंगल ही किया यूज. अच्छा आपका सवाल ये है ईशाल कि हमने यहाँ पर, अच्छा पहली चीज मैं बता दूं आपको फाइनली, इट मींस कि इस थ्योरम से ये साबित होता है अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल, कोई से भी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर होती है तो वो दोनों ट्राइंगल ही इस बुनियाद पर भी बराबर होते हैं, क्योंकि हमने वो ये यहाँ पर साबित कर दिया. हम गिवन में लेके चले थे एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, तो दोनों ट्राइंगल बराबर आ गए. ठीक है, सो अब हम इस थ्योरम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए. मेरे ख्याल से जो मैं समझ पाया हूँ विशाल का सवाल, वो ये है कि सर हमने एंगल एंगल साइड प्रूफ किया है, एंगल साइड एंगल प्रूफ नहीं किया, क्या ये सवाल है विशाल? जी ठीक है, इसका जवाब ये है कि बिल्कुल सेम टेक्निक होगी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी एंगल साइड एंगल को, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम चाहिए. मैं डायग्राम ले लेता हूँ और फिर उसी के हिसाब से थ्योरम प्रूफ करता हूँ. ये रही, सो ये डायग्राम देखें, एंगल साइड एंगल, ये इंक्लूड साइड है, ए पी के बराबर है. अब यही टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है. एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, बट साइड अब कौन सी है, ए बी और पी क्यू बराबर ले लिया, इंक्लूड साइड बराबर ले लिया, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि ए बी और पी क्यू साइड बराबर है. ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया यहां पर और मुझे साबित करना है कि एंगल साइड एंगल में दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं. ओके, अब इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि मुझे एक साइड चाहिए. अब यहां से मैं चलूं साइड एंगल साइड तब भी हो सकता है, या मैं चलूं साइड एंगल साइड तब भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि साइड एंगल और ये साइड यहाँ भी पड़ रही है, साइड एंगल और ये साइड यहाँ भी पड़ रही है. ये क्लियर है अभी तक? यस. ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ यहाँ पर कि सी ए और आर पी को बराबर करने की साबित करता हूँ. अगर सी ए और आर पी बराबर साबित करनी है मुझे, तो क्यू से एक पॉइंट यहाँ बनाऊंगा मैं आर पी प्राइम, आर प्राइम. ठीक है, अब मुझे दो ट्राइंगल मिल गए, मुझे एक ट्राइंगल ये मिल गया पी क्यू आर प्राइम. ठीक है, अब देखें स्टेप्स वही बनेंगे सारे के सारे, ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि ए बी और पी क्यू के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ए और आर पी बराबर नहीं है, टेक अ पॉइंट आर प्राइम, एक पॉइंट आर प्राइम लें, पी प्राइम के बजाय इसको आर प्राइम कर देंगे, सच डेट के सी ए और आर प्राइम पी बराबर आ जाएंगे, देन ज्वाइन क्यू एंड आर प्राइम, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें कंस्ट्रक्शन को. सेम टेक्निक है, उसके बाद पहला स्टेप यही होगा. अच्छा, एंगल साइड एंगल में ये स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप ऑमिट कर सकते हैं. उसकी वजह क्या है मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, के अभी जो एंगल डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर, कौन सा एंगल डिस्टर्ब हुआ है, क्यू एंगल क्यू, और एंगल क्यू कहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी पहले से, यहाँ पर तो सी मौजूद नहीं था तो लेके आए हम थर्ड एंगल थ्योरम से, एंगल क्यू ऑलरेडी कहाँ मौजूद है पहले से, गिवन में मौजूद है ना, एंगल क्यू एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख दें असल में एंगल क्यू है एंगल पी क्यू आर के, ये चीज यहाँ पर लिख देंगे, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है पूरा आपको. अब फौरन से आप आएंगे जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी प्राइम नहीं होगा, पी क्यू आर प्राइम हो जाएगा, उसके एतबार से क्या होगा, ए बी पी क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, साइड सी ए आर प्राइम पी के बराबर है. ठीक है, जैसे ही आप ये तीनों लिखेंगे तो दोनों ट्राइंगल फौरन से बराबर आ जाएंगे.
जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर आएंगे तो इस स्टेप में एंगल बी बराबर आ जाएगा किसके, बताएंगे जरा? ये जो एंगल बी है इस छोटे ट्राइंगल में किस एंगल के बराबर आ जाएगा? एंगल यू आर पी, एंगल एंगल पी क्यू और आर प्राइम, आर प्राइम के बराबर आ जाएगा। एंगल पी क्यू आर प्राइम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल बी बराबर है एंगल पी क्यू आर के भी, एंगल बी बराबर है पी क्यू आर प्राइम के भी। कैसे हो सकता है, क्या दोनों एंगल बराबर हैं? पी क्यू आर और पी क्यू आर प्राइम दोनों बराबर हैं? नहीं, इट लीड टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। इन दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है, तो गिविन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये डायग्राम तो बना के ही चलना है, डायग्राम ही खराब कर दी तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। इट इज गारंटीड या गिविन की गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आपकी अजम्पशन थी। इट मीन्स योर अजम्पशन इज रॉन्ग, आपकी अजम्पशन गलत है। हर वो रिजल्ट जहाँ सी ए और पी आर बराबर नहीं है लीड्स टू अ रॉन्ग रिजल्ट, हमें गलत रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा है। इट मीन्स कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत है, असल में सी ए और आर पी बराबर हैं। जैसे ही हमें सी ए और आर पी यहाँ बराबर मिल गए, वैसे ही हमने साइड एंगल साइड लगा दिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में। सो सी ए और आर पी बराबर मिल चुके हैं हमें, तो हम साइड एंगल साइड लगाएंगे, दोनों ट्राइंगल बराबर आ जाएंगे फौरन से। मेक सेंस? एंगल साइड एंगल भी इससे प्रूव हो जाता है। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर है कि किस तरह ये थ्योरम प्रूव हुआ है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं स्टेप्स रिपीट कर दूं कि क्या क्या स्टेप्स थे, अगर आप लोगों को दोबारा से कुछ इसका ओवरव्यू चाहिए कि पहले स्टेप में क्या था, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। सर क्लियर है, सर क्लियर है, जबरदस्त जबरदस्त। अब अगर आपको थ्योरम लिखने को कहा जाए तो कोई कंफ्यूजन होगी थ्योरम लिखने में? जरा ये बताएं, ये पूरा थ्योरम लिखने में? नो सर, नो। ठीक है, बहुत लंबा थ्योरम था पहला, बस यहीं तक की आपकी मेहनत थी, आगे के थ्योरम्स आसान है। सो क्या कहते हैं आप लोग कि थ्योरम कोई ऐसी अफलातून चीज है जो ना समझ में आए, या समझ आने वाली चीज है हकीकत में अगर समझा जाए तो? सर समझ में आने वाली, ठीक है, बहुत बहुत आसान सी चीज है थ्योरम। जी ये क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो हमें डायग्राम कैसे बनानी है बस ये नहीं पता। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। yes, sir, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें अब आता है आपका एडवांस स्टेप। एक तो ये था कि आपने किताब को फॉलो करना है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपकी एग्जैक्टली बुक से थ्योरम नहीं लिखा, बुक में बहुत लंबा है और गैर जरूरी बातें और फजूल चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। ये आपका बहुत प्रिसाइज थ्योरम लिखा हुआ है, बहुत प्रिसाइज बातें हैं इसके अंदर। सो इससे आपका थ्योरम ये प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब डायग्राम कैसे बनानी है? डायग्राम बनाने के लिए बेटे एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको और बताता चलूं वो ये है कि आप जरा गौर करें, जब दो एंगल बराबर थे तो ऑटोमेटिक क्या था, तीसरा एंगल भी बराबर होगा ही होगा, क्योंकि थर्ड एंगल थ्योरम है। किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, लाजमी कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स कि मैं चले अब इस स्टेप को ही अगर देखूं तो मैं इस बात से तो पहले नंबर पे आजाद हो गया कि तीसरा एंगल बराबर है या नहीं है, ठीक है। हमें थ्योरम ने कहा था कि दो एंगल बराबर लेके चलो, जो आपका 9.1.1 थ्योरम था, लेकिन थर्ड एंगल थ्योरम से मुझे तीसरा एंगल भी बराबर मिल गया, तो एंगल बराबर होने की टेंशन तो खत्म ही हो गई ट्राइंगल से। इट मीन्स के तीनों एंगल बराबर है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आप साइड कौन सी बराबर ले रहे हैं, ठीक है। साइड बराबर जैसे अगर आप लेते हैं कि बी सी और क्यू आर बराबर हैं, बिलफर्ज आपने ये लिया, अब क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं, अब आपको सोचना है ये गिवन के एतबार से बराबर है ए और पी, बी और क्यू, ठीक है। एंगल सी और एंगल आर बराबर हैं बच्चों थर्ड एंगल थ्योरम के एतबार से, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि डायग्राम को आगे फर्दर कैसे बढ़ाना है, उसका क्या तरीकेकार है, क्योंकि तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल्स में बराबर हैं और साइड क्यू आर और बी सी बराबर है, एक साइड बराबर है। अब हम क्या सोचेंगे इसके आगे, हमने ये सोचना है कि साइड एंगल साइड लगाना है, क्योंकि एक साइड और मुझे चाहिए। अगर मैं ऐसे चलता हूं बी सी एंगल बी और ए बी साइड, ठीक है, तो साइड एंगल साइड बन जाएगा, तो फिर मैं ए बी को बराबर साबित करने पे लग जाऊंगा, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो ऐसे बनेगी पी क्यू आर की, तो ए बी और पी क्यू बराबर करने पे लग जाएंगे हम, ठीक है। अगर मैं इस तरह चलता हूं बी सी बराबर है क्यू आर के, सी बराबर है आर के और आर पी बराबर है सी ए के,
तो मुझे क्या बराबर करने पे साबित लगूंगा मैं, सी ए और आर पी। अब सी और आर कैसे बराबर हैं ये जहन में रखना है, ये गिविन के एतबार से बराबर नहीं है बल्कि ये बराबर है किस एतबार से, थर्ड एंगल थ्योरम। थर्ड एंगल थ्योरम ठीक है, सो इट मीन्स ये बराबर तो है ही है ना, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसी। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइड बराबर लाना चाह रहे हैं, क्या ए बी पी क्यू के बराबर लाना चाह रहे हैं, क्या सी ए आर पी के बराबर लाना चाह रहे हैं, किस जगह पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप ए बी और पी क्यू के बराबर लाना चाह रहे हैं तो इसमें पहली चीज तो सोच लें कि आपने इस ट्राइंगल पे काम करना है, ए बी सी को छोड़ दें, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल पे काम करेंगे तो मैं पी क्यू आर पे काम कर रहा हूं। अब क्या है कि मैं इस साइड को तो ऊपर नहीं कर सकता, यहां पर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं जैसे ही इस साइड को ऊपर करूंगा तो अलोंग द लाइन ये जो क्यू आर है मैं इसको जैसे ही ऊपर करूंगा तो इसकी लंबाई के साथ क्या होगा बताएं जरा बच्चों, फिर चेंज हो जाएगी। हाँ चेंज हो जाएगी, जबकि ये तो गिवन के एतबार से लंबाई है ना, क्या इसको चेंज करना अलाउड है हमें? नो सर, इसको चेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, इस मदद से मैंने सर्किल बनाया, क्यू आर सिर्फ और सिर्फ जब चेंज नहीं होगा जब ये अलोंग द सर्किल घूमेगा, ठीक है, जबकि मुझे इसको घुमाना है किस तरह से, या इस तरह घुमाएंगे क्यू आर को या इस तरह घुमाएंगे अलोंग द सर्किल, तो ये चेंज नहीं होगा, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा, छोटा होगा और फिर बड़ा होगा। ये बात समझ आती है आपको? ओके, अगर मैं यहां बढ़ाऊंगा तो ये क्यू आर चेंज हो जाएगा जो कि मेरे पास अलाउड नहीं है, यानी गिवन साइड को तो मैं नहीं हटा सकता अपनी जगह से। अगर आप सी ए और आर पी को बराबर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहां पर पी प्राइम लेंगे और फिर क्यू एंगल से लेके आएंगे यहां पे पी प्राइम डाल देंगे तो आर पी प्राइम बराबर आ जाएगा, तो आपको ये ट्राइंगल मिल जाएगा। लेकिन कौन सा एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उस टाइम, ये वाला एंगल क्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ए बी और पी क्यू को बराबर लाना चाह रहे हैं तो फिर आपको पी प्राइम पी क्यू साइड पर लेना पड़ेगा और इस तरह जाएंगे और कौन सा एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंगल आर, देखिए ना एंगल आर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना यहाँ और यहाँ। हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अब हमने डायग्राम का सोचना है कि डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है जी। पहले तो दो एंगल बराबर लेंगे हम, एंगल ए और एंगल पी बराबर ले लिए एक एक टिक मार्क के साथ, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर ले लिए दो दो टिक मार्क के साथ, ये हमने गिवन में ले लिया। इट मीन्स कोई से भी दो एंगल आप ले सकते थे, और फिर हमें एक साइड बराबर चाहिए थी गिवन के एतबार से, आप बी सी क्यू आर के बराबर भी ले सकते हैं, सी ए आर पी के बराबर भी ले सकते हैं तीन तीन टिक मार्क के साथ, या ए बी पी क्यू के बराबर भी ले सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सो हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। इसी तरह से मैं इसकी कॉपी बना के रख लेता हूँ अपने पास, एक कॉपी ये बनाई एक कॉपी ये बनाई मैंने, ठीक है, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, तीन इम्कान हैं, सो इसलिए हम इसकी कॉपी बना के रख लेते हैं। तो उन तीनों इम्कानात को मैं आपको एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये उनकी कॉपीज हैं, एक ये और एक ये ट्राइंगल है, बिल्कुल सेम यही ट्राइंगल हैं ये दोनों, और ये दोनों भी सेम ट्राइंगल हैं। तीन पॉसिबिलिटीज की वजह से एक डायग्राम आप ऊपर वाली देखेंगे, एक इसके ऊपर वाली और एक ये तीसरी डायग्राम। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा क्या काम है कि दो एंगल बराबर लेने हैं गिवन के एतबार से। तो आप ए और पी बराबर ले लें, बी और क्यू बराबर ले लें, एक तो ये इम्कान है, ठीक है। दूसरा इम्कान ये है कि भाई आप ले लें ए और पी बराबर ले लें, सी और आर बराबर ले लें, ये दूसरा इम्कान हो सकता है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप बी और क्यू बराबर ले लें और सी और आर बराबर ले लें, ठीक है। ये बात क्लियर है कि कोई से भी दो एंगल हम बराबर ले सकते हैं थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे पास एक साइड बराबर लेनी है, तो तीनों में से हमने क्या किया कि साइड बी सी और क्यू आर बराबर ले ली, हालांकि तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एंगल हमने बराबर लिए हैं, लेकिन साइड बी सी और क्यू आर बराबर ले ली। यहां से ये बनेगा एंगल एंगल साइड, या ऐसे पढ़ेंगे तो साइड एंगल एंगल बनेगा। अच्छा, इस केस में भी एंगल एंगल साइड बनेगा ऐसे, या साइड एंगल एंगल बनेगा ऐसे। इस केस में क्या बनेगा, अगर आप इस तरह से दो एंगल लेते हैं और साइड बी सी लेते हैं तो साइड एंगल साइड बनेगा। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि तीसरा एंगल भी बराबर है, ठीक है, यहाँ पे एंगल सी और एंगल आर बराबर आ जाएगा थर्ड एंगल थ्योरम की मदद से, यहाँ पर बी और क्यू थर्ड एंगल थ्योरम की मदद से बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ए और पी थर्ड एंगल थ्योरम की मदद से बराबर आ जाएगा, यानी तीनों एंगल बराबर हैं।
सो साइड हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये साइड भी हम ले सकते हैं बराबर, इसी तरह से, इसी तरह से ये साइड भी हम बराबर ले सकते हैं, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब इन चीजों में मुझे किस तरह से फर्दर आगे डायग्राम बनानी है, चाहे मैंने कोई से भी दो एंगल लिए और कोई से भी साइड ली, तो किस तरह से हमने आगे डायग्राम को प्रोसीड करना है, तो उसकी दो दो पॉसिबिलिटीज है हर एक केस की, ठीक है। तो मुझे एक एक कॉपी और चाहिए, ठीक है, मान लें यहां पर मैंने ये लिया, यहां पर एक अलग साइड ले ली और यहां पे एक अलग साइड ले ली। क्यों अलग अलग साइडें ली है मैंने, उसका रीजन ये कि एंगल तो बराबर है ही है, एंगल की तो मुझे टेंशन ही नहीं है कि कौन सा भी एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कौन सा एंगल प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में जाके मसला कर जाता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई सा भी एंगल चाहे मसला कर जाए वो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से टकरा जाएगा जाके। तो यहां पर मैंने एक अलहदा साइड ले ली बी सी क्यू आर के बराबर, एंगल की तो टेंशन नहीं है, सी ए आर पी के बराबर है क्योंकि एंगल की टेंशन नहीं है, एंगल यहां भी तीनों बराबर है, एंगल यहां भी तीनों बराबर है, एंगल यहां भी तीनों बराबर है, ठीक है, साइडें अलग अलग ले लो, फाइन। अब दो दो पॉसिबिलिटीज क्या है डायग्राम बनाने की, तो मैंने उसकी कॉपी बना ली एक, ये और ये कॉपी बन गई, ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ की दिखाएगा इस साइड के एतबार से, ठीक है, इस साइड के एतबार से यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज दिख जाएंगी मुझे, और इस साइड के एतबार से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज दिख जाएंगी मुझे डायग्राम। ओके, यहाँ तक डायग्राम कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही मेरे अल्फाजों से, और जो बात लिखी हुई है वो सब समझ आ रहा है? यस सर, ठीक है। अब वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास पहली डायग्राम में क्यू आर है मौजूद, अब मैं यहां से जाना चाहूं या यहां से जाना चाहूं साइड एंगल साइड के लिए कैसे भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से इसको बराबर साबित करने लगता हूं कि ए बी और पी क्यू बराबर हैं, तो हमें पी प्राइम यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं यहां पे जाने लगता हूं कि सी ए और आर पी बराबर हैं, तो पी प्राइम मुझे यहां लेना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको तो मैं नहीं घुमा सकता, अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, जो गिविन वाली क्यू आर साइड की लंबाई है वो बदल जाएगी, इसको नहीं बदल सकते हम, या तो पी क्यू पर पी प्राइम देना पड़ेगा या आर पी पर पी प्राइम लेना पड़ेगा, दोनों केसेस में लेना पी प्राइम ही है हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस तरह से पी प्राइम हमने लिया, यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इस केस में जो एंगल कॉम्प्रोमाइज होगा वो कौन सा एंगल कॉम्प्रोमाइज होगा बेटे, छोटा बड़ा? क्यू आर पी प्राइम, बिल्कुल क्यू आर पी प्राइम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और अगर ये वाली डायग्राम में बनाता तो इधर कौन सा एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्राइम आर क्यू, हाँ पी प्राइम आर, पी प्राइम क्यू आर, ये गलत लिखा हुआ है, क्यू क्यू वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है, ठीक है, ये टाइपो एरर है, ये हो जाएगा पी प्राइम क्यू आर, ठीक है। सो ये एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जो कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में मसला कर जाएगा। ये समझ आया कैसे दो पॉसिबिलिटीज बनी है इस केस में? यस यस सर, ठीक है। अब इस डायग्राम की बात करते हैं सेकेंड वाली की, हम इसमें आर पी साइड गिवेन है, एंगल का तो मसला ही नहीं ना, अभी बताया एंगल तो तीनों ही बराबर है, कोई सा भी एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए टेंशन नहीं है, इट मींस इसको तो मैं रोटेट नहीं, इसको तो मैं नहीं घुमा सकता ना, इसको तो मैं यहां नहीं कर सकता, आरपी बदल जाएगी। तो हमें क्या बदलना है, या तो ये बदलना है पी क्यू ए बी के बराबर आ जाए या बी सी क्यू आर के बराबर आ जाए, ये क्यू आर है बेटा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये क्यू आर के बराबर आ जाए। ओके, जब ए बी पी क्यू के बराबर लेना चाहूंगा मैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो इट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको यहाँ घुमाता हूँ तो फिर आर पी बदल जाएगा, ये नहीं कर सकते, अगर आर पी को मैं यहाँ घुमाता हूँ तो फिर आर पी बदल जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते, इट मीन्स कि ना आर प्राइम को मैं यहाँ ला सकता हूँ ना पी प्राइम को यहाँ ला सकता हूँ, इस केस में मुझे क्यू प्राइम को यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये क्यू प्राइम हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। बी सी और क्यू आर बराबर साबित करने पर लगते हैं, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा, अगर ए बी और पी क्यू बराबर साबित करने पे लगते हैं तो यहाँ क्यू प्राइम इधर लिया था साइड पर, यहाँ क्यू प्राइम इस साइड पर लेंगे, तो ये क्यू प्राइम आ जाएगा, यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह बन जाएगी, यहाँ पे कौन सा एंगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पी एंगल पी, ठीक है, एंगल पी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और इस केस में एंगल आर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। होप इट मेक सेंस कि किस तरह से हम चल रहे हैं डायग्राम बनाने के लिए। अब थर्ड की बात करते हैं,
इसकी बात करते हैं कि ए बी और पी क्यू बराबर लिया हुआ है, ठीक है जी। इट मीन्स कि ए प्राइम को तो मैं नीचे नहीं कर सकता, ये जो दो पॉइंट लिखे हुए ना इनसे याद रखना है, ना ए प्राइम को नीचे कर सकता हूँ ना बी प्राइम को नीचे कर सकता हूँ, ये डायग्राम खराब, ये इसकी लंबाई खराब हो जाएगी ए बी की। अगर ऐसे करूंगा तब भी ए बी चेंज हो जाएगा, अगर ऐसे करूंगा तब भी ए बी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ना ए चेंज करना है ना बी चेंज करना है। हमने अब पी क्यू आर में देखते हैं, इट मीन्स कि ना पी चेंज करना है ना क्यू चेंज करना है, हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्या चेंज करना है, आर। अब आर प्राइम या तो यहाँ आएगा या तो आर प्राइम या तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा आर प्राइम। अगर आर प्राइम यहाँ लेंगे तो ये डायग्राम बन जाएगी, अगर आर प्राइम यहाँ लेंगे तो ये डायग्राम बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या एंगल पी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो होप कि आपको डायग्राम समझ आइए कि किस तरह से डायग्राम बनानी है। ठीक है। सो अगर आप कहते हैं तो दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं। सो समझ आएगी, ठीक है, बहुत जबरदस्त। बस मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों कि थ्योरम वन क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है आपका? नो सर। कर लेंगे अब आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप लोग बहुत अच्छा थ्योरम करेंगे। एंड में क्यूईडी लाजमी लिखना होता है, ये पता नहीं लैटिन या कोई जर्मन वर्ड है इसका, पता नहीं क्वांड्रम और ऐसे करके कुछ नाम है इसका क्यूईडी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता वो क्या चीज है। आप हाँ ऐसा ही कुछ है, सो वो आप देख लेना। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कल अपनी मर्जी की डायग्राम बनाएं, अपनी मर्जी के पॉइंट्स दें, ए बी सी के बजाय आप इसको चाहें तो ए बी सी छोड़ दें, इसको पी क्यू आर के बजाय एक्स वाई जेड दें, अपने हिसाब से थ्योरम प्रूव करें। जो बुक में डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम ना लें। अगर आपको बहुत अच्छा थ्योरम समझ में आया है तो आप अपनी मर्जी के दो एंगल लें, अपनी मर्जी की साइड लें,